नमस्कार साथियों, मैं हूं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, 1 जुलाई 2018 को विश्व के सबसे छोटे और हल्के वजन वाले अत्याधुनिक सुपरसोनिक विमान किसका परीक्षण अभी किया गया है? सही जवाब है दोस्तों, तेजस। 3 जुलाई 2018 को विश्व के सबसे छोटे और हल्के वजन वाले सुपरसोनिक विमानों में से एक HAL तेजस को भारतीय वायुसेना की 45वीं स्क्वाड्रन फ्लाइंग डेंगर्स में शामिल कर लिया गया है। दूसरा सवाल है, देश के किस शहर में देश की प्रथम ई अपशिष्ट रिसाइकलिंग इकाई स्थापित की जाएगी? सही जवाब है दोस्तों, बेंगलुरु। 3 जुलाई 2018 को केंद्र सरकार ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में देश की प्रथम अत्याधुनिक ई अपशिष्ट रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है और ये पहली अपशिष्ट रिसाइकलिंग इकाई होगी भारत की। 3 जून 2018 को अमेरिका द्वारा भारत को कौन से युद्धक हेलीकॉप्टर भेजने की अनुमति प्रदान की गई है? सही जवाब है दोस्तों, अपाचे। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत को 6 HH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर बेचने के लिए 930 मिलियन डॉलर 6300 करोड़ रुपए का किया है करार, जिसमें दोस्तों इसमें रफ्तार आम हेलीकॉप्टर से काफी ज्यादा होती है। अपाचे हेलीकॉप्टर के चलते दुश्मन की राडार की पकड़ में नहीं आता है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के से कहर बनकर ये टूटता है और इसमें 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता होती है। ये एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती है। दोस्तों, दुनिया के बेहतरीन अपाचे हेलीकॉप्टर ये अमेरिका की कंपनी है बोइंग, वो इसे बनाती है। अब आता है सफर क्या है दोस्तों। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 21 जुलाई 2018 को वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान की सर्वाधिक उन्नत प्रणाली सफर का अनावरण किया। इस देश में इस तरह के प्रणाली का विकास स्वदेशी तरीके से भारतीय उष्ण कटिबंधीय विज्ञान संस्थान पुणे, बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों, भारतीय उष्ण कटिबंधीय संस्थान पुणे द्वारा किया गया। यह प्रणाली वास्तव में यूपी इंडेक्स, पीएम, मर्क्यूरी, ब्लैक कार्बन पर नजर रखेगी। सफर प्रणाली में कृषि उड्डयन, बुनियादी ढांचा, आपदा प्रबंधन कौशल, पर्यटन व अन्य कई क्षेत्रों की लागत में कमी आएगी, जिन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वायु की गुणवत्ता और मौसम का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पिनाका। देश की विकसित ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। ये 2 दिन तक इसका परीक्षण अभी उड़ीसा के तट पर किया गया है, ठीक है दोस्तों, और इसे DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें दोस्तों Mark 2 के परीक्षण थे। ये पहले दोस्तों इसकी मारक क्षमता थी वो 40 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसकी मारक क्षमता है वो बढ़ चुकी है, 75 किलोमीटर की है तथा ये गाइडेंट भी है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों धनुष तोप। वार्डन को बोफार तोपों के स्वदेशी संस्करण धनुष तोपों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है। ये MP में स्थित गन कैरिज फैक्ट्री द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका अभी परीक्षण दोस्तों पोखरण में किया गया है। इससे पहले देखो इसका परीक्षण सिक्किम में भी किया गया था, सबसे ठंडी जगह है ले वहां पर भी किया गया, लागूर में भी किया गया, मतलब ठंडे और गर्म सभी जगह पर इसका परीक्षण हुआ जा किया जा चुका है धनुष तोप का। नेक्स्ट आता है दोस्तों अग्नि 5। भारत के रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO के द्वारा अग्नि 5 का एक अभी अभी दोस्तों इसका परीक्षण किया गया और ये परीक्षण है वो अब्दुल कलाम द्वीप, पहले इसका उड़ीसा में विलर द्वीप नाम था, अब अब्दुल कलाम द्वीप है। देश की सबसे अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम ये मिसाइल है और इसमें दोस्तों 1 से 5 टन नाभिक के विस्फोट लेके जा सकते हैं। 5000 किलोमीटर से अधिक की इसकी दूरी है होती है मार करने की और ये DRDO के द्वारा विकसित है। दोस्तों इससे पहले हम देखते हैं कि मारक क्षमता अग्नि 1 की है वो 700 से 1250 है, अग्नि 2 की 2000 से 2500 है, अग्नि 3 की दोस्तों 3000 से 3500, ये अग्नि 3 है, अग्नि 4 की 3000 से 4000 और सर्वाधिक होती है अग्नि 5 की 5000 से अधिक है। ये अग्नि श्रृंखला की सभी मिसाइलें नाभिक की क्षमता से संपन्न है। अब देखो आग कहाँ लगती है दोस्तों, ये जमीन पे लगती है, अर्थात ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इनका विकास एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत, ठीक है दोस्तों, तो इसका विकास एक प्रोग्राम था
एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इसके द्वारा इसका विकास किया गया था। अनुसंधान डीआरडीओ के द्वारा इसका किया गया है, डेवलपमेंट एंड रिसर्च, और अग्नि वन, अग्नि टू, अग्नि थ्री को सेना में पहले ही सौंपा जा चुका है। लेकिन दोस्तों अग्नि फोर, अग्नि फाइव अभी परीक्षण हो रहा है, ये सेना को नहीं सौंपा गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों, किस आईआईटी संस्थान से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे लोगों की अपनी तरह का पहला ऑनलाइन टूल ट्रेडविल विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है मानसिक क्षमताओं से ग्रस्त लोगों की समस्याओं को दूर करना। ये अपनी तरह का पहला उपचार है। और दोस्तों ये ट्रेडविल है, तो ठीक है दोस्तों, ये ट्रेडविल है। ट्रेडविल दरअसल एक वेबसाइट है दोस्तों, जो तनाव, अवसाद, चुस्ती, अवसाद के अन्य लक्षणों से गुजरे लोगों को तमाम ऑनलाइन एक्सरसाइज, प्रश्नोत्तरी, गेम्स आदि को उपलब्ध करवाती है। इसे तैयार करने वाली टीम का मानना है इसका प्रयोग करने से अवसाद से गुजरे लोगों को लाभ मिलेगा और इससे उनके जीवन के प्रति प्रेम बढ़ सकता है। इस टूल्स में अवसाद के रोगियों के इलाज के लिए बेहतर माने जाने वाली सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का प्रयोग किया जा रहा है। अब बता दोस्तों ऑपरेशन निस्तार, ये ऑपरेशन निस्तार कहां पर किया गया? यमन देश में किया गया, ठीक है, जून में किया गया, क्योंकि यहाँ पर सोकोत्र द्वीप में 38 भारतीयों को सफलतापूर्वक निकाला गया और इसमें भारतीय नौसेना का जहाज है वो सुनेना के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये क्वार्त द्वीप है यमन के पास, यहाँ पर क्यों फंसे थे? क्योंकि यहाँ पर चक्रवात आया था मैकून, इसके कारण ये लोग फंसे थे। ऑपरेशन निस्तार इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि किस देश के आईटी संस्थान ने जुलाई 2018 के दौरान एक अत्याधुनिक रिमोट स्तर से संचालित माइक्रोस्कोप को लॉन्च कर दावा किया है कि ये दुनिया में अपनी तरह का पहला माइक्रोस्कोप है? तो दोस्तों ये मद्रास के द्वारा 40 करोड़ से लागत से ये माइक्रोस्कोप तैयार किया गया। इसका नाम रखा गया है दोस्तों लीप, लोकल इलेक्ट्रोड एटॉम प्रॉब। इसके बारे में दावा किया कि दुनिया में अपनी तरह का यह पहला है। इसका इस्तेमाल किसी पदार्थ में विद्यमान अणुओं को बेतरी बहुत ही बारीकी से समझने में किया जा सकता है। इसका नाम दिया दोस्तों लीप। नेक्स्ट आता है कि नासा का मानव रहित एयरक्राफ्ट 12 जून 2015 को नासा द्वारा पहली बार चेंज प्लान के बिना सार्वजनिक एयर स्पेस में एक बड़े मानव रहित विमान इखाना एयरक्राफ्ट को उड़ाया। ये उपलब्धि आपातकालीन खोजों और बचाव अभियानों तथा जंगल की आग की निगरानी उसके मददगार में साबित होगी। ठीक है दोस्तों, ये जो मानव रहित जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इखाना एयरक्राफ्ट इसका नाम है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मालाबार 2018। पहली बात तो दोस्तों ये इसमें तीन देश है, भारत, जापान और अमेरिका। पहली बात तो दूसरी इंपोर्टेंट बात है कि ये 22वां था। तीसरी इंपोर्टेंट बात है कि ये नौ सैनिक अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, चौथी बात है कि ये अभी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है ये जून को हुआ। ठीक है, और इसमें संपन्न पहले हार्बर फिर सागर। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो कि गुआम है वो दोस्तों नौसैनिक केंद्र है अमेरिका का, और मालाबार अभ्यास को शुरुआत में भारत और अमेरिका के द्विपक्ष में हुई थी, वो ये हुई थी 1992 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर चुका हूं कि आप काफी बेहतरीन, आपको ये समझ में आया होगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंग कैसे लगा। और मैं खेल, विज्ञान, पुस्तकें, इन सभी का अलग अलग मैं वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाने का सोच रहा हूँ, जिससे कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आरएस प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों चरणों में प्रत्येक प्रकार का गाइडेंस आपको मिलेगा इस YouTube चैनल के ऊपर। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री और कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी हिस्ट्री का गाइडेंस आपको यहाँ प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।